नमस्कार, सिरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। देश में इस वक्त फॉग और हनीप्रीत के अलावा विवादित बयान भी बहुत चल रहे हैं। किसी एक नेता के मुंह पर ढक्कन लगाओ तो दूसरा कोई बयान दे देता है। पॉलिटिक्स की इसी बकैती पर बयान देने के लिए आज हमारे साथ हैं विवादुद्दीन ओवैसी। स्वागत है आपका। ओवैसी साहब, ये बताइए कि आपकी नज़र में ओवैसी क्या हैं? मैं तो बुरा हूँ, खराब हूँ, जैसा भी हूँ, आपके सामने हूँ। अरे आप तो सामने हैं, मैं कहाँ जाऊँ? अगर आपको जाना है तो पाकिस्तान चले जाइए। अरे मैं क्यों जाऊँ? मैंने कौन सा परेशान कर रखा है आपको? इसमें अगर ओवैसी परेशान होगा तो सब हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी परेशान होंगे, क्योंकि मैं भी तो इस मुल्क का बाइज़त शहरी हूँ। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप मुझसे अलग नहीं हैं। ना ना, अपने बारे में हमेशा बुरा नहीं सोचना चाहिए। लोग आपको बुरा कहते हैं क्या? ओवैसी तो चेपीदी का शेरवा समझ लीजिए। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस ने प्रेसिडेंट को जाकर कहा तो उनको क्या कहेंगे आप? अरे नहीं, हम नहीं मानते जो चेपीदी आप बोले हैं या आप हैं। मगर ये बावखार बाइज्जत नॉलेज वाले लोग अगर इस तरह की अगर बात किए हैं तो उनकी बात में तो दम होगा ना, मेरी बात में दम नहीं होगा। चलिए अच्छा, एक जोक चल रहा है कि आपको सिर्फ 2002 तक गिनती आती है, ये जोक किसने बनाया है? बनाया तो इन्हीं लोगों ने बनाया है जो सत्ता में है, चाहे वो बिहार में सत्ता में रहे होंगे, दिल्ली में रहे होंगे। सबकी बायोपिक बन रही है आजकल, अगर आपकी भी बने तो इसमें हीरो कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं किसी भी फिल्म स्टार के बारे में तबसरा नहीं करूंगा। अरे कुछ तो बोल दीजिए, नहीं सौरभ द्विवेदी कहेंगे कि ओवैसी साहब के पास गए और कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी नहीं लाए। देखिए, जो बयानात स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो सबको परेशान करेंगे, फिक्रमंद करेंगे। लेकिन इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आखिर आप लाते कहाँ से? हमको भी बता दो, हम भी जाके ले आएं। अगर आपको जाना है तो पाकिस्तान चले जाइए। लेकिन सुनते हैं कि पाकिस्तान में तो बीफ खाने के लिए जाते हैं। हम 13 साल की उम्र से सुन रहे हैं, आप नहीं सुने होंगे, हम तो सुन रहे हैं। आजकल लोग चलते फिरते स्याही फेंक देते हैं, आप पर भी कोई फेंक देगा तो आपको दागदार बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये तो चलते रहता है। पॉलिटिक्स में तो दाग अच्छे होते हैं, और अब वो कपड़े धोने वाला साबुन भी सस्ता हो गया है, फिर आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, इसीलिए कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स न्याय करेगी, हमको कोर्ट्स के ऊपर छोड़ना चाहिए, कोर्ट फैसला करेगी। आजकल आईफोन खरीदने वाले भाजपाई वॉलपेपर में आपकी फोटो लगा रहे हैं ताकि उनके फोन को नजर न लगे। तो ओवैसी की फोटो लगा रहे हैं, अच्छी बात है, कामयाबी है। चलिए चलिए, हमसे फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी हो रहा है उनको। अरे ऐसे कैसे नुकसान होगा, आप तो डरा रहे हैं। मैं डर को नहीं फैला रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमको खौफजुदा नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी की जगह अगर आडवाणी जी पीएम होते तो कैसा होता? सर आपको मैं बता रहा हूँ कि मुझे आडवाणी में और मोदी में कोई फर्क नहीं लगता, मुझे कोई फर्क नहीं लगता आडवाणी मोदी में। आपको लगता होगा, मुझे क्यों नहीं लगता? तो ये थे सुब्रमण्यम स्वामी के दोस्त, पॉलिटिकल बकैती पर बयान देने वाले विवादुद्दीन ओवैसी। सिरी बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए दी ललन टॉप .com।